देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर। मैं तो यही कहूंगा कि पिछली सरकार जब साल के अंत में अनुपम बजट लेके आती थी तो आज जो नेता सदन है, जो पक्ष के नेता हुआ करते थे, तो काफ़ी विरोध करते थे कि भाई ये क्यों बजट लाए जा रहे हैं। अभी खुद उन्हें एहसास हुआ होगा कि भाई क्यों जरूरी है। तो 4500 करोड़ का बजट आना आज की जनता के हित में है, इसलिए सरकार ने लेके आई है। पिछली सरकार में जब वो हम लोग लेके आते थे तो इन्हें विरोध करते थे। अब प्रति प्रस्ताव पर कल बहस होगी, फिर हम लोग देखेंगे भाई कि इसमें तो बजट की कॉपी हम लोग को मिली है, तो पाएंगे क्या इसमें कमियाँ हैं, देखेंगे फिर कल बहस। रणदीप जी, आपने चुनाव में किया था कि 7 साल में मैट्रिक पास वाली बात, कहाँ तक सही है? देखिए, ये तो पुरानी चीज़ों को आप कर रहे हैं। वोटर आईडी कार्ड में किसी का जन्म को गड़बड़ लिख दिया तो उसको सही नहीं माना जाएगा ना। हमने जो मैट्रिक पास किया है, हमारे जो डेट ऑफ बर्थ है 26/9/1974 है, तो 26/9/1974 डेट ऑफ बर्थ को हम सही मानेंगे ना। अब वोटर कार्ड में निर्वाचन आयोग ने वोटर कार्ड में गलत लिखा तो वोटर कार्ड सुधार होता है ना। पिछले बार वोटर कार्ड गलत था, इस बार सुधार होने का बात नहीं। एफिडेविट में आपने क्या दिया था जनते को? 26/9/1974। अच्छा रणदीप जी, पिछले सरकार में आप मंत्री भी थे, कैसे थे? नक्सलवाद खत्म हो गया, लेकिन नक्सली वारदातें बढ़ी। पिछले सरकार में नक्सलवाद समाप्त हो गई थी, अब नई सरकार को तो कंट्रोल करना है। पिछली सरकार ने तो कंट्रोल को लगा बगा रखा था नक्सलवाद। वर्तमान सरकार किस रास्ते पर चलती है, और नक्सलाइट हो या अभी देखिए आपने देखा जो कि जितने भी पत्थरगाड़ी के मामले हुए तो पत्थरगाड़ी के मामले फिर तरह से सरकार ने जो कार्रवाई की थी, वर्तमान सरकार ने केस को उठाने का आदेश दे दिया। इस पर तो कभी मीडिया में आप लोग इसको हाईलाइट नहीं कर रहे थे, आपको इसको भी हाईलाइट करना चाहिए। एक तरह से जो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहा है, उसी केस को वापस लिए जा रहे हैं वर्तमान सरकार में, तो उसको तो आपको देखना चाहिए ना। मीडिया को भी इसको हाईलाइट करना चाहिए ना। आप हाईलाइट नहीं कर रहे, आप सामने बैठे हुए। रणदीप जी, जिस दिन कैबिनेट में बातें आई केस को वापस लेने का, तो आप लोगों ने कभी इस पर कोई कार्रवाई कोई जी, शायद आपको जानकारी नहीं कि पूरे देश में पहला ऐसा होगा। कितने लोगों पे हुई है पत्थरगाड़ी जब होता था, सबसे पहले आप ही तो हाईलाइट करते नहीं जानते पत्थरगाड़ी आपके हाईलाइट होने पर सरकार कार्रवाई करे। भाई गलत केस हुआ था, 15,000 लोगों पे गलत देशद्रोह का केस हुआ था, कैसे आप उसको प्रूव कर दीजिएगा सही है? कुछ लोग किए हैं जरूर, ये सही है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो केस गलत हुआ? जब तक केस का अंतिम वो सुविजन होता, कार्रवाई होती है, भी तो सरकार ने एफआईआर किया था, लोग जेल गए थे, अब वर्तमान सरकार ने उसको उठा लिया, तो आप कैसे कह सकते हैं 15,000 लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया? अरेस्ट हुआ था, मेरी सरकार में भी लोग अरेस्ट हुए हैं, कार्रवाइयाँ हुई है। अब ऐसे तत्वों को आप छोड़ देंगे तो नक्सलवाद तो बढ़ेगा ना, उग्रवादी में तो बढ़ेगी ना। रघुवर जी की याद सदन में आती है? रघुवर दास जी हमारे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सर्वव्यापक और सर्वश्रेष्ठ नेता हम लोग के हैं। वो सदन में रहे या सदन के बाहर रहे, वो हमारे नेता हैं। कल भी नेता थे, आज भी हैं, आगे भविष्य में भी नेता रहेंगे। आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज़, हर खबर का असर।